तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कुछ इस टाइप के रील्स अभी के टाइम में सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग कुछ इस टाइप की रील्स अपने मोबाइल के माध्यम से जो है बना सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और मजेदार होने वाला है, क्योंकि वीडियो पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे वीडियो को शूट करना होता है। और इस टाइप की रील्स बनाने के लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि वीडियो को कैसे शूट करना चाहिए। तो इस वीडियो पर दोस्तों आप लोगों को सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि कैसे वीडियो को शूट करना होता है, देन उसके बाद दोस्तों वीडियो को कैसे एडिट करना होता है, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलते दोस्तों हम लोग अपनी वीडियोस को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शूट करने के लिए हम लोग यूज करने वाला है एक मोबाइल फोन और एक ट्राइपॉड, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। बाकी आप लोगों के पास अगर ट्राइपॉड ना हो तो भी आप लोग बहुत आसान तरीके से जो है वीडियो को शूट करवा सकती हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है गाइज वो है एक लोकेशन। जितना अच्छा लोकेशन गाइज उतना ही अच्छा वीडियो बनेगा। तो पहला वाला जो शॉट है गाइज हम लोग यहीं पे लेने वाले हैं। तो देख सकते हो गाइज कितना अच्छा लोकेशन है। तो कैसे शूट करना चाहिए दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को मोबाइल को पकड़ लेना है एंड आप लोगों को कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर लेना है, जिससे आपका जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लोकेशन में प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने वीडियो को बनाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा लोकेशन को ढूंढा और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने फिर से शूट किया। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो कम्प्लीटली बन चुका था। और अभी दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे एडिटिंग करना चाहिए। ओके तो दोस्तों मैं भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। और आप लोगों को मैं VN एप्लीकेशन के माध्यम से एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, क्योंकि VN एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है गाइस। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा जो VN एप्लीकेशन है इधर से ऑन हो चुका है। तो इधर से आप लोगों को सिंपली प्लस आइकन पर टैप कर लेना है, फिर इधर से आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट पर टैप कर लेना है, फिर इधर से आप लोगों को वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वाले वीडियो को आप लोग एडिटिंग करना चाहते हो। तो इन सारे वीडियो को मैं इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों इधर से आप लोगों को तीन आइकन पर टैप कर लेना है। एंड जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा जो वीडियो इधर से आ चुका है। तो इधर से गाइस सबसे पहले हम लोग म्यूजिक को ऐड करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को PIB एवोल्यूशन पर टैप कर लेना है, फिर इधर से गाइस आप लोगों को स्टॉक फाइल पर चले जाना है। एंड इधर से गाइस आप लोगों को वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वाले वीडियो का म्यूजिक आप लोग यूज करना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को नीचे के साइड स्क्रॉल कर लेना है और आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आएगा एक्स्ट्रा एडियो, तो उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। लेकिन आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो म्यूजिक है इधर से निकल के आ चुका है। तो अभी दोस्तों आप लोगों को इधर से वीडियो को चेकआउट कर लेना है, मतलब कि किस वाले वीडियो का पार्ट आप लोग सबसे पहले लेना चाहते हो। तो ये जो वीडियो है गाइस इसको मैं सबसे पहले लेना चाहता हूँ, तो इस वाले वीडियो को टैप करके दोस्तों इसको मैं सामने तक ले जाऊँगा कुछ इस प्रकार से। एंड आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो पीछे का वीडियो है सामने तक आ चुका है। एंड अभी दोस्तों आप लोगों को म्यूजिक को टैप करके सामने तक स्क्रॉल करके ले जाना है। तो हमारा जो म्यूजिक है इधर से एडजस्ट हो चुका है। एंड अभी दोस्तों इधर से मैं वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जिससे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वीडियो को देख पाओगे। तो इधर से गाइस मैं सबसे पहले वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। एंड आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो वीडियो है म्यूजिक के साथ बराबर मैच हो चुका है। अभी दोस्तों हम लोग इस वाले वीडियो के ऊपर स्लो मोशन करेंगे, उसके लिए दोस्तों आप लोगों को स्पीड वॉल्यूशन पर टैप कर लेना है। देन इधर आप लोग वीडियो में कहां तक स्लो मोशन रखना चाहते हो उस जगह पर दोस्तों आप लोगों को एरो को कुछ इस तरह से रख देना है। एंड इधर से आप लोगों को एक पॉइंट ले लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को इस पॉइंट के ऊपर टैप करके इधर से एक पॉइंट आ चुका है, आप लोग गाइस देख ही सकते हो। एंड इस पॉइंट के बीचों बीच जितनी सारी पॉइंट है इसको आप लोगों को नीचे के साइड स्क्रॉल कर देना है एंड आपका जो वीडियो है इधर से ऑटोमेटिकली स्लो मोशन बन जाएगा। जैसे मैं राइट कर लेता हूँ एंड आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो वीडियो इधर से स्लो मोशन बन चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग जो है अपने वीडियोस में स्लो मोशन लगा सकते हो बहुत आसान तरीके से। एंड हमारा जो पहला वाला पार्ट है गाइस इधर से कम्प्लीटली हो चुका है। एंड अभी हम लोग इधर से सेकंड वाला पार्ट को लगाएंगे, उसके लिए दोस्तों आप लोगों को म्यूजिक के बराबर अपनी वीडियोज को इधर से स्प्लिट करना होगा। तो इधर से मैं चेकआउट कर लेता हूँ कहाँ तक हमारा म्यूजिक खत्म हो जाता है। तो इस जगह पर दोस्तों हम लोग अभी वीडियो में स्प्लिट करेंगे, कैची वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है। देन आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो बाकी का पीछे वाला पार्ट है इसको हम लोग इधर से डिलीट कर देंगे एंड पीछे वाला जो पार्ट है गाइस इधर से ज्वाइन हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग वीडियो को थोड़ा सा चेकिंग करेंगे, मतलब कि सेकंड वाला पार्ट हम लोग कौन सा लगाएंगे। तो ये वाला जो वीडियो का पार्ट है गाइस इसको हम लोग स्क्रॉल करके सामने तक, मतलब कि सेकंड वाला पार्ट के साथ जोड़ देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को इधर से चेकिंग करना होगा वीडियो में कहाँ तक, मतलब कि आप लोग यूज करना चाहते हो। तो इस जगह पे दोस्तों मैं स्प्लिट कर लेता हूँ एंड सामने वाला जो पार्ट है गाइस ये बेकार सा पार्ट है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। एंड ये जो वीडियो है इसको मैं टैप करके फास्ट वाले वीडियो के साथ जोड़ दूंगा। तो आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो वीडियो है फास्ट वाले वीडियो के साथ
जोड़ चुका है और हमारा वीडियो का इधर से काफी अच्छा लग रहा है अभी। एंड उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इधर से और एक चीज करना पड़ेगा, इधर से गाइस आप लोग देख सकते हो प्लस पॉइंट दिया हुआ है, उसके ऊपर दोस्तों आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। देन इधर से गाइस आप लोगों के सामने बहुत सारा एनिमेशन आ जाएगा, तो इधर से आप लोग कोई सा भी एनिमेशन को अपनी वीडियोस में लगा देना। तो इधर से गाइस मैं कोई सा भी एक एनिमेशन का लगा देता हूँ, तो इधर से मैं लाइट वाले एनिमेशन को लगा देता हूँ। देन इधर से गाइस आप लोगों को राइट कर देना है। तो हमारा जो एनिमेशन है गाइस अपनी वीडियोस में लग चुका है, तो इधर से गाइस मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, तो आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो वीडियो जैसे एनिमेशन लग चुका है, तो वीडियो काफी अच्छा लग रहा है गाइस। एंड उसके बाद दोस्तों आप लोगों को म्यूजिक के बराबर इधर से अपनी वीडियोस को स्प्लिट कर लेना है, क्योंकि बाकी का जो पार्ट है इसको हम लोग इधर से डिलीट कर देंगे। तो इसी जगह पे दोस्तों मैं एक स्प्लिट कर लेता हूं, मतलब कि कैची वाले ऑप्शन पर टैप करके इधर से मैं काट कर दूंगा। एंड पीछे वाला जो बाकी का पार्ट है इसको हम लोग इधर से डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये फालतू का पार्ट है। ओके, एंड अभी दोस्तों हम लोग इधर से चेकिंग करेंगे, मतलब कि थर्ड वाला जो पार्ट है हम लोग कौन सा लगाएंगे, कौन सा वीडियो लगाएंगे, वो वाली वीडियो हम लोग इधर से चेकिंग कर लेंगे। तो ये वीडियो काफी सही है। ओके, तो दोस्तों मैं वीडियो को इधर से थोड़ा सा स्प्लिट कर देता हूँ, क्योंकि बाकी का पार्ट इधर से मुझे चाहिए नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड पीछे वाला वीडियो को मैं इधर से टैप करके दोस्तों सेकंड वाले वीडियो के साथ जोड़ दूंगा। ठीक है, तो इधर से आप लोग को कुछ इस प्रकार से कर लेना है। देन आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो पीछे वाला वीडियो था इधर से सामने तक आ चुका है। एंड इस वाले वीडियो को हम लोग इधर से स्लो मोशन करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आप लोग को स्पीड ब्रशन पर टैप कर लेना है। देन इधर से गाइस आप लोग कहाँ तक वीडियो में स्लो मोशन रखना चाहते हो, उसी हिसाब से दोस्तों आप लोगों के इधर से एरो को रख लेना है। तो ये जगह बहुत सही है दोस्तों, इधर से मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। एंड पीछे वाला जो पॉइंट है इसको मैं इधर से नीचे के साइड स्क्रॉल कर दूंगा। एंड इस पॉइंट को दोस्तों आप लोगों को नीचे के साइड स्क्रॉल करोगे तो आपका जो वीडियो है इधर से ऑटोमेटिकली स्लो मोशन बन जाएगा। और उसके बाद दोस्तों इधर से आप लोगों को सिंपली राइट कर देना है, तो आपका वीडियो इधर से स्लो मोशन बन जाएगा। तो अभी दोस्तों मैं आप लोगों को इधर से वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा जो वीडियो है इधर से काफी अच्छा लग रहा है और वीडियो में स्लो मोशन भी लग चुका है, लेकिन इधर से आप लोगों को वीडियो में एनिमेशन डालना होगा। तो जैसे कि आप लोगों को प्लस आइकन पर टैप कर लेना है। इधर से आप लोग देख सकते हो बहुत सारा एनिमेशन है, तो जैसे आप लोग कोई से भी एक एनिमेशन को डाल देना, तो जैसे मैं कोई से भी एक एनिमेशन को डाल देता हूँ। एंड इधर से आप लोगों को सिंपली राइट कर देना है। ठीक है, राइट करने के बाद दोस्तों आपका जो वीडियो है उसमें एनिमेशन लग जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। तो इधर से आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा। तो इसमें प्ले करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है वीडियो में। एंड उसके बाद दोस्तों आप लोगों को म्यूजिक के बराबर इधर से वीडियो में स्प्लिट कर देना है, तो इसमें स्प्लिट कर लेता हूँ। एंड पीछे वाला पार्ट को मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इधर से कौन सा वीडियो लगाना चाहते हो उस वाले वीडियो को इधर से आप लोग ज्वाइन कर लेना। और उसके बाद दोस्तों इधर से आप लोग देख ही सकते हो, मतलब कि एक एनिमेशन ऑटोमेटिकली लग चुका है। तो इसको मैं सबसे पहले एनिमेशन को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हर एक वीडियो में दोस्तों एक ही एनिमेशन डालेंगे तो हमारा वीडियो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसमें लाइट वाला एनिमेशन को रख के इसमें राइट कर लेता हूँ। ओके, तो आप लोग का देख सकते हो हमारा जो एनिमेशन इधर से लग चुका है। एंड अभी दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा सा इधर से स्क्रॉल करके काट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो म्यूजिक है इधर से ख़त्म होता है। तो इसमें आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस जगह पर दोस्तों हमारा जो म्यूजिक का लिरिक्स है खत्म हो जाता है। तो इसी जगह पे दोस्तों हम लोग स्प्लिट करेंगे एंड पीछे वाला पार्ट को इधर से डिलीट कर देंगे। फिर इधर से गाइस हम लोग अपनी वीडियोस में स्लो मोशन लगाएंगे। स्लो मोशन लगाने के लिए दोस्तों आप लोग को स्पीड ब्रशन पर टैप करके दोस्तों इधर से आप लोगों को स्लो मोशन लगा देना है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को शुरुआत में दिखा दिया था। तो इस जगह पे दोस्तों मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ एंड पीछे वाला जो पॉइंट है गाइस दो पॉइंट को मैं इधर से नीचे के साइड स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से कर लेने के बाद दोस्तों इधर से आप लोगों को राइट कर देना है। ओके, एंड हमारा जो वीडियो गाइस इधर से स्लो मोशन बन चुका है, आप लोग गाइस देख ही सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से कर लेने के बाद दोस्तों इधर से आप लोग मतलब कि सुन लेना है म्यूजिक कहाँ पर खत्म होता है, और उसी जगह पे दोस्तों इधर से आप लोगों को स्प्लिट कर देना है। एंड बाकी का जो फालतू पार्ट है गाइस इसको आप लोगों को इधर से डिलीट कर देना है, तो इसमें डिलीट कर लेता हूँ। एंड अभी दोस्तों हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है कौन सा लगाएंगे इधर से आप लोगों को चेकआउट कर लेना है, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो हम लोगों ने शूट करके रखा था। एंड लास्ट वाले म्यूजिक पर दोस्तों हम लोग इस वाले वीडियो को यूज़ करेंगे। तो इधर से गाइस मैं स्प्लिट कर लेता हूँ इस जगह पर। स्प्लिट कर लेने के बाद तो सामने वाला पार्ट को इधर से मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड इधर से गाइस हम लोग अभी एनिमेशन को चेंज करेंगे, क्योंकि इधर से एनिमेशन ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो इधर से मैं इस वाले एनिमेशन को रख देता हूँ एंड इधर से मैं राइट कर लेता हूँ। फिर इधर से गाइस मैं वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लूंगा, क्योंकि हमारा जो वीडियो में कैरेक्टर है काफी दूर तक चला गया है। कुछ इस प्रकार से कर लेने के बाद अभी हम लोग वीडियो में स्लो मोशन लगाएंगे। उसके लिए स्पीड बटन पर टैप करके दोस्तों इधर से आप लोगों को स्लो मोशन लगा देना है। तो इस जगह पर दोस्तों मैं स्लो मोशन लगाऊंगा, तो प्लस आइकन पर टैप करके जैसे पॉइंट लगाकर दोस्तों जैसे नीचे के साइड स्क्रॉल कर दूंगा पॉइंट को। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों जैसे आप लोगों को सिंपली राइट कर देना है, देन आपका जो वीडियो है जैसे स्लो मोशन बन जाएगा।
तो हमारा जो वीडियो का जिधर से कम्प्लीटली बन चुका है, तो मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो हमारा वीडियो जो है इधर से स्लो मोशन बन चुका है, लेकिन इधर से आप लोगों को थोड़ा सा और आगे तक स्लो मोशन लाना पड़ेगा, जिससे आपका जो वीडियो है काफ़ी अच्छा बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ एंड इधर से गाइज मैं राइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा जो वीडियो है इधर से प्रॉपर तरीके से एडिटिंग हो चुका है। और अभी दोस्तों आप लोगों को इधर से वीडियो के लास्ट में चले जाना है और म्यूजिक का बराबर दोस्तों आप लोगों को इधर से स्प्लिट करके पीछे वाला पार्ट को डिलीट कर देना है। एम्बिएंट का वाटरमार्क मिलेगा उसको भी डिलीट कर देना है। तो हमारा जो वीडियो है इधर से फुल एडिटिंग हो चुका है, तो मैं आप लोगों को इधर से प्ले करके दिखाता हूँ, ओके। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो स्क्रीन पर, हमारा जो वीडियो इधर से काफ़ी अच्छा एडिटिंग हो चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग अपनी वीडियोस को एडिटिंग करके कुछ इस टाइप की वीडियो बना सकते हो बहुत आसान तरीके से। एंड उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को इधर से और एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर से आप लोग वीडियो को कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो। तो इस वाले वीडियो को मैं इधर से कलर ग्रेडिंग करने वाला हूँ, उसके लिए आप लोगों को फिल्टर वेलेशन पर चले जाना है। दिन इधर से आप लोगों को एडजस्ट वेलेशन पर टैप करके इधर से आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा एसएसएल नाम का, उसके ऊपर दोस्तों आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। दिन इधर से आप लोग देख ही सकते हो, मतलब कि एकदम लाइट रूम एप्लीकेशन से जिस तरह से हम लोग अपनी फोटोज़ को एडिटिंग करते हैं, उसी तरह से दोस्तों हम लोग अपनी वीडियोज़ को भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो इधर से आप लोग अपनी वीडियोज़ के हिसाब से इधर से आप लोग एडजस्ट कर लेना, देन इधर से आप लोगों को राइट कर देना है और आपका जो वीडियो गाइस इधर से ऑटोमेटिकली कलर ग्रेडिंग हो जाएगा। और अभी आप लोग गाइस देख ही सकते हो कितना बढ़िया तरीके से एडिटिंग हो चुका है। तो दोस्तों एडिटिंग हो जाने के बाद हमारा वीडियो कुछ इस प्रकार से बना है, आप लोग गाइस स्क्रीन पर देख ही सकते हैं।